हेलो फ्रेंड्स, तो अब किरण के माप अपन पढ़ रहे थे जो डिस्पर्शन होता है। ठीक है, डिस्पर्शन में अपन ने जो सीमा रीति होती है वो अपन ने देख ली थी। अब अपन पढ़ेंगे जो विचलन रीति होती है, यानी जो संख्यात्मक रीति में दो रीति होती है, एक तो सीमा रीति और एक विचलन रीति, और एक और रीति होती है बिंदु रेखी लॉरेंज वक्र, वो अपन बाद में देखेंगे। अब अपन आते हैं अब किरण का जो विचलन रीति होती है उसके अंदर मैंने आपको बताया था दो माप होते हैं, माध्य विचलन और मानक या प्रमाप विचलन। इस माध्य विचलन को हम बोलते हैं मीन डेविएशन MD, और इसको हम बोलते हैं SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, यानी प्रमाप विचलन या मानक विचलन और माध्य विचलन। तो सबसे पहले चलते हैं अपन माध्य विचलन पर। ठीक है, मैंने आपको वहां पर बताया था सीमा रीति और विचलन रीति, तो विचलन रीति के अंदर दो रीतियां थी, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो माध्य विचलन कैसे निकलता है और क्या होता है, एक छोटी सी लाइन में मैं आपको बता देता हूं। जो भी श्रेणी है उस श्रेणी के पद मूल्यों को हम समांतर माध्य से विचलन लेते हैं, यानी समांतर माध्य से उस श्रेणी के जितने भी पद मूल्य है उसको माइनस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन। तो वो जो विचलन हमारा आया, उस विचलन का फिर हम औसत लेते हैं, वो कहलाता है हमारा माध्य विचलन। ठीक है ना, ये माध्य विचलन जो है इसकी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो गणना है वो एक तो समांतर माध्य से होती है और एक माध्यिका से होती है। इसकी गणना एक्चुअली बहुलक से भी होती है, लेकिन आप सबको पता है बहुलक एक अनिश्चित माध्य है, यानी उसमें कभी क्या निकल जाए कभी क्या निकल जाए, इसलिए बहुलक से इसकी गणना बहुत कम की जाती है। इसके लिए समांतर माध्य और माध्यिका का प्रयोग किया जाता है, माध्यिका को प्राथमिकता देते हैं, माध्यिका को माध्य विचलन निकालने में प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम विचलन लेते हैं उन विचलनों का जो योग निकलता है, हम समांतर माध्य से विचलन लेंगे, अगर किसी भी श्रेणी का कोई एक श्रेणी दी है, हमने समांतर माध्य से विचलन लिया, उसी श्रेणी का हमने माध्यिका से विचलन लिया, तो जो माध्यिका से जो विचलन लेते हैं हम, उसका योग जो है वो समांतर माध्य के विचलनों से कम होता है, यानी संख्या कम आएगी, तो इसलिए माध्यिका का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि संख्या कम होगी तो वो समझने में और करने में हमें आसान रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम विचलन लेते हैं, मान लो अगर समांतर माध्य 20 है और हमें जो पद मूल्य दे रखे है उसमें 30 है, तो 20 में से हम 30 घटाएंगे तो माइनस 10 आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम माइनस 10 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है ना, इसका जो चिन्ह होता है जब हम इसको समांतर माध्य से निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स बार सिग्मा एम माध्यिका से और सिग्मा जेड यानी बहुलक से। ठीक है, कैसे निकलता है अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फिर हम इसका गुण और दोष देख लेते हैं। इसका जो गुण है, सभी मूल्यों पर आधारित निश्चित माप। आपने देखा है कि विचलन हम उस समांतर माध्य से उस श्रेणी के सभी पद मूल्यों को हम घटाएंगे, यानी सभी से हम ले रहे हैं विचलन, तो इसका मतलब सभी मूल्यों पर आधारित है, इसलिए इसको हम निश्चित माप कहेंगे। श्रेणी की बनावट का ज्ञान, यानी हम इससे हमारी श्रेणी की बनावट का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हम सभी का विचलन लेते हैं। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक किसी से भी हम निकाल सकते हैं, ये भी इसका सबसे बड़ा गुण है। आपको अगर समांतर माध्य निकालना नहीं आ रहा है तो आप माध्यिका से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य समझने वालों के लिए, जो माध्य आसानी अच्छे से समझता है उसके लिए इसका प्रयोग आसान है। चरम मूल्यों से कम प्रभावित, चरम मूल्यों से इसलिए कम प्रभावित क्योंकि सभी श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है। माध्यिका के अंदर क्या होता है, माध्यिका में हम सभी मूल्यों का प्रयोग करते हैं, और सभी मूल्यों का प्रयोग होता है तो हमारा जो माध्य विचलन है वो चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है। होता तो है लेकिन कम प्रभावित होता है, किसकी तुलना में, प्रमाप विचलन की तुलना में, स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में। ठीक है ना, तो यहां से हमारे चार पांच क्वेश्चन बन सकते हैं। चार पांच क्वेश्चन में, यानी एक क्वेश्चन अगर मान लो ये बन जाए कि माध्य विचलन में किसका प्रयोग हम प्राथमिकता से करते हैं, ऑप्शन आ जाए समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या XYZ कोई और दूसरा, तो आपको वहां पर लिखना है माध्यिका का प्रयोग हम प्राथमिकता से करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा अपकिरण का माप है जिसमें हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, या जो गणितीय रूप से शुद्ध नहीं है, तो वो क्या है, माध्य विचलन, इसमें हम नहीं रखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाए कि प्रमाप विचलन चरम मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होता है या माध्य विचलन, तो प्रमाप विचलन ज्यादा प्रभावित होता है, माध्य विचलन कम प्रभावित होता है। ठीक है, इसका जो इसी वजह से इसका जो दोष है वो सबसे बड़ी क्या है, इसके आगे बीजगणितीय गणना नहीं की जा सकती माध्य विचलन की, और ये विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, हम प्लस माइनस को हटा देते हैं, डायरेक्ट जो संख्या आ रही है वो लिख रहे हैं, तो ये विश्वसनीय नहीं है, गणितीय रूप से शुद्ध
माप नहीं है। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, कौन सी श्रेणी? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे अगर हम समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा एक्स बार सिग्मा एक्स बार बराबर समेशन डी एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज क्या है, ये जो ये मैंने डंडे या जो लाइन खींची है इसका मतलब होता है कि हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। इसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। ठीक है, हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर हमें माध्यिका से निकालना है तो यही चीज समेशन डी की डी और एक्स बार की जगह यहाँ पर एम आ जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। अगर आप बहुलक से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जेड और यहाँ पर जेड और जो बहुलक है उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये व्यक्तिगत श्रेणी में होता है। अब अगर हमारे खंडित श्रेणी हो तो खंडित श्रेणी में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये समेशन डीएम है तो इसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी समेशन एफ डीएम अपॉन एन। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खंडित और अखंडित श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से निकालेंगे व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी दोनों में। तो जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है कोई 3, 5, 8, 13, 10, 6, ये कोई व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य निकालना पड़ेगा या माध्यिका, जिससे भी आप निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आप माध्यिका निकालना चाह रहे हो तो माध्यिका निकाल लीजिए सबसे पहले इसका, और माध्यिका निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी माध्यिका आए, मान लो माध्यिका आए आपकी इसकी 10, क्या आई है 10, तो उस 10 में से यानी माध्यिका में से इस एक्स बार में से उस माध्यिका को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स ये जो श्रेणी है इसको आप क्या करेंगे, इसमें से माध्यिका को माइनस करेंगे, यानी 3 - 10 कितना आया, 7 आता, -7 है लेकिन हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 7। ठीक है, यहाँ पे 5, 8 है तो यहाँ पर 2, यहाँ 13 है तो यहाँ पर 3, यहाँ 10 है तो 0 और यहाँ 6 है तो 4, यहाँ हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। ये कहलाता है हमारा विचलन, जिसको हम बोलते हैं हम डी। ठीक है, क्या कहलाता है, विचलन। ठीक है, तो अगर आपने माध्यिका से लिया है तो डी एम हो जाएगा, अगर आपने समांतर माध्य से लिया है तो डी एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, इसकी टोटल कर दीजिए और इसकी टोटल करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन डी एक्स बार अपॉन एन टोटल आएगी, उस टोटल में आप एन का मान दे दीजिए। ठीक है, और अगर आपकी खंडित या अखंडित श्रेणी है तो वहां पे फ्रिक्वेंसी दी जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी को आप ये जो डी एक्स आएगा इसको फ्रिक्वेंसी में गुणा कर देंगे, यानी वो एफ डी एक्स हो जाएगा या एफ डी एम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी आप टोटल कर दें, एफ से गुणा कर देंगे इसको, यानी मान लो एफ दे रखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो 7 × 1 7, 5 × 2 10, 2 × 3 6, तो ऐसे जो आपका एफ डी एक्स आएगा उसको आप टोटल कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ डी एक्स बार अपॉन एन, अगर आप माध्यिका से लेते हैं तो यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए अगर आप करना चाहो तो इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा माध्य विचलन। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रमाप विचलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रमाप विचलन का जो आविष्कार किया था वो 1893 में, कब 1893 में किसने किया था, कार्ल पियर्सन, जिसका कार्ल पियर्सन जिसका सहसंबंध जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो है प्रमाप विचलन, मानक विचलन, ये लोकप्रिय माध्य है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि अपकिरण का लोकप्रिय माध्य कौन सा है तो वो है हमारा प्रमाप विचलन, मानक विचलन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये माध्य विचलन की तुलना में थोड़ा अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य तीनों का प्रयोग नहीं, केवल समांतर माध्य से विचलन लिया जाता है। वहां हम क्या कर रहे थे, माध्य विचलन में हम किसी से भी ले सकते थे माध्यिका समांतर माध्य, यहाँ हम केवल समांतर माध्य से विचलन लेते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, यानी अगर मान लो यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 में से 7 गए थे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सभी पद समान हो तो 0 प्रमाप विचलन आता है, यानी सभी पद अगर समान हो तो सभी पद समान होंगे तो क्या होगा, विचलन 0 आएगा, और विचलन 0 आएगा तो प्रमाप विचलन भी 0 आएगा। इसका मतलब जो प्रमाप विचलन का न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0।
छोटा प्रमाप विचलन एक रूपता बताता है, यानी प्रमाप विचलन जितना छोटा आएगा वो बताएगा कि उस श्रेणी में विषम ये जो वितरण है, जो फैलाव है, जो बिखराव है वो कम है और एक रूपता ज्यादा है, ठीक है ना। गुण क्या होता है प्रमाप विचलन का, सभी मूल्यों पर आधारित, सीधी सी बात है, आप सभी मूल्यों का समांतर माध्य से, वहां तो आप माध्यिका से भी ले सकते थे लेकिन यहां पर केवल समांतर माध्य से विचलन लेंगे और सभी मूल्यों का लेंगे, तो सभी मूल्यों का लेंगे तो सभी मूल्यों पर आधारित अच्छा माप है, शुद्ध गणितीय रीति क्योंकि इसमें हम प्लस माइनस का भी ध्यान रखते हैं, स्पष्ट और निश्चित, ठीक है। और इसका जो दोष है जटिल गणना, यानी एरा गेरा कोई व्यक्ति इसकी गणना नहीं कर सकता प्रमाप विचलन की, क्योंकि प्रमाप विचलन के लिए आपको बहुत सारी चीजें आना जरूरी है, ठीक है। और चरम मूल्य पर अधिक बल, यानी प्रमाप विचलन में क्या होता है समांतर माध्य से निकालते हैं तो समांतर माध्य जो है वो चरम मूल्य से ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। ये तो मेरा आपको विशेषता है, गुण और दोष, लोकप्रिय माध्य 1893 कार्ल पियर्सन, ठीक है। अब प्रमाप विचलन होता क्या है, इससे किस प्रकार से ये भिन्न है। माध्य विचलन में आपको क्या बताया था कि जो श्रेणी है उसके पद मूल्यों से जो समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक किसी से भी जो हमने विचलन लिया है उस विचलन का औसत माध्य विचलन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समांतर माध्य से जब हम विचलन लेते हैं पद मूल्यों का, समांतर माध्य से, किससे, सिर्फ समांतर माध्य से पद मूल्यों का हम विचलन लेते हैं, उन विचलनों के वर्गों का योग है ना, उन विचलनों के वर्गों का, उन विचलन निकालेंगे, विचलन के बाद विचलनों का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, उस वर्गों का जो योग होगा उस योग का वर्ग मूल, उस योग का समांतर माध्य का वर्ग मूल, यानी समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी ये क्या हो गया डी स्क्वायर, यानी विचलनों का योग हो गया है ना, विचलनों के योग का समांतर माध्य यानी इसका औसत अपॉन एन कर दिया, और इसका भी वर्ग मूल वो कहलाता है हमारा प्रमाप विचलन, यानी किसी भी श्रेणी के पद मूल्यों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग के समांतर माध्य का जो वर्गमूल है वो प्रमाप विचलन होता है। एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको इसको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा समांतर प्रमाप विचलन। अब प्रमाप विचलन में क्या होता है, प्रमाप विचलन कैसे निकलता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। प्रमाप विचलन के अंदर सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जो दो तीन रीतियां होती है मेन हम देखेंगे, एक तो प्रत्यक्ष रीति और एक लघु रीति, ठीक है ना। तो जो प्रत्यक्ष रीति होती है उसके अंदर क्या निकलता है प्रमाप विचलन, जो मैंने अभी आपको बताया समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल, ठीक है, ये हमारा प्रमाप विचलन कहलाता है, ठीक है। अगर हम लघु रीति देखें यहां पर, तो लघु रीति में क्या होता है, लघु रीति में क्या होता है समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन समेशन डी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कहलाता है हमारा प्रमाप विचलन। यहां पर प्रत्यक्ष रीति, ये लघु रीति, समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन समेशन डी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये है हमारी प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। अगर खंडित और अखंडित श्रेणी आ जाए तो समेशन एफ डी स्क्वायर, यहां पर एफ डी स्क्वायर, यहां पर एफ डी एक्स, यहां पर एफ डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रमाप विचलन का, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रत्यक्ष और लघु, ठीक है। और खंडित श्रेणी आ जाए तो आप उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो प्रमाप विचलन है वो चरम मूल्यों पर अधिक से अधिक प्रभावित क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसमें समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। ये अधिक रूप से गणितीय रूप से शुद्ध कौन सा माप है, तो वहां पर आपको अगर प्रमाप विचलन, माध्य विचलन ये सब दे रखे तो आपको वहां पर करना है प्रमाप विचलन, ठीक है। और ये न्यूनतम क्या होता है प्रमाप विचलन, तो वो होता है जीरो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और इन्हीं चीजों से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। ये तो फॉर्मूले तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं, आप आसानी से कहीं पे भी देख सकते हो लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं। जैसे मान लो फोर एग्जाम्पल, 3, 5, 8, 13, 10, 6 ये हमारी श्रेणी है कोई x श्रेणी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सबसे पहले विचलन लेना है समांतर माध्य से लेना है, यानी x माइनस x बार, ठीक है ना। मान लो हमारा x बार आया 8, 3 में से 8 गए तो 5, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना। 3 में से 8 गए तो माइनस के 5, 5 में से 8 गए तो माइनस के 3, 0, ठीक है ना। और यहाँ पर 13 में से 8 गए तो 5, 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, ये इस तरीके से हमें यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना है, ये हमारा कहलाता है
डी, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या करना है, डी स्क्वायर करना है, तो डी स्क्वायर कहेंगे तो 5 इंटू 5 करेंगे, ठीक है ना, माइनस 5, तो ये 25 हो जाएगा। अब ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस 5 इंटू माइनस 5 हुआ तो वो 25 हो गया। 3 इंटू 3 9, 0, 25, 4 और 4, यहां पर इसी टोटल कर दीजिए, वो आपका समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा और उसमें फिर आप एन का भाग दे दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, खंडित श्रेणी हो, तो इस डी स्क्वायर को आप एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रमाप विचलन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन एक चीज और जो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर प्रमाप विचलन के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रसरण, ठीक है। तो वो प्रसरण कैसे निकलता है, तो उस प्रसरण के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रमाप विचलन होता है, प्रमाप विचलन का एक्चुअली चिन्ह होता है ये, क्या होता है ये, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो प्रसरण जो होता है, जो प्रसरण है, वो प्रसरण निकलता है सिग्मा स्क्वायर। क्या निकलता है? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर जब हो जाएगा तो वो हमारा प्रसरण निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रसरण होता है। अब प्रसरण जो है वो अगर आपको दे रखा हो, क्या हो, प्रसरण दे रखा हो, मान लो आपको प्रसरण दे रखा हो 8, और आपको कह दिया जाए कि प्रमाप विचलन निकालिए। क्या निकालिए? प्रमाप विचलन। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रमाप विचलन निकालना है तो प्रसरण को आप वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे, यानी 8 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो वो आपका प्रमाप विचलन निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रमाप विचलन निकल जाएगा, या फिर प्रसरण निकल जाएगा, या फिर अगर आपको प्रसरण निकालना है तो जो अपन ने प्रमाप विचलन का फॉर्मूला लगाया था ना, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन वर्गमूल, इस वर्गमूल को आप हटा देंगे तो भी आपका प्रसरण निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ये, इसका स्क्वायर ही होता है, तो यहां पर वर्गमूल हटा देंगे तो वो हमारा प्रसरण निकल जाएगा। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज, प्रसरण गुणांक ज्यादातर पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं विचरण गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम विचरण गुणांक, ठीक है ना। तो प्रसरण गुणांक निकालने के लिए विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, विचरण गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू सो। क्या करते हैं? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू सो, ठीक है। इसको कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक। तो ये कैसे निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू सो, ठीक है। ये विचरण गुणांक कहलाता है या प्रसरण गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और मैं आपको माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में गुणांक बताना भूल गया था। माध्य विचलन में गुणांक कैसे निकलेगा? जो भी हमारा आंसर निकला है ना, हमने एम से निकाला है या एक्स बार से निकाला है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स बार का, ठीक है। अगर हमने एम से निकाला है तो डिवाइड कर देंगे एम से, अगर हमने जेड से निकाला है बहुलक से तो डिवाइड कर देंगे जेड से। ये गुणांक निकल जाएगा, यानी कि सापेक्ष माप, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो निरपेक्ष माप था, ठीक है। और इसी तरीके से प्रमाप विचलन में भी यही चीज होगी। प्रमाप विचलन में जो हम निकालते हैं सिग्मा, है ना, तो क्या करेंगे, जब हम गुणांक निकालेंगे, कोफिशिएंट और प्रमाप विचलन निकालेंगे, तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एक्स बार, यहाँ केवल एक्स बार का ही हम प्रयोग करते हैं, तो अपॉन केवल एक्स बार ही करेंगे। यहाँ हम एम को भी कर सकते हैं, जेड को भी कर सकते हैं। तो ये इसका प्रसरण गुणांक, प्रमाप विचलन गुणांक और माध्य विचलन गुणांक, ठीक है। तो ये वीडियो आपका अपकिरण के जो माप है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज माध्य विचलन और मानक विचलन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक लारेंज वक्र भी होता है, लारेंज वक्र में कुछ नहीं है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। लारेंज वक्र में क्या होता है, मैक्स ओ लारेंज एक व्यक्ति थे, मैक्स ओ लारेंज, उन्होंने ये दिया, इसलिए ये फेमस हो गया लारेंज वक्र के नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार से ये रेखा होती है, ठीक है, ये रेखा होती है, ये रेखा इस समान वितरण रेखा, इसको बोलते हैं हम, बिल्कुल बीच में जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम समान वितरण रेखा। इस वितरण रेखा से ये जितनी दूर होगी, है ना, फैलाव उतना ही ज्यादा होगा, यानी उस श्रेणी में उतनी ही अधिक बिखराव पाया जाएगा, और जितनी पास होगी उस श्रेणी में वितरण कम पाया जाएगा, बिखराव कम पाया जाएगा। उसको हम कैसे निकालते हैं, कोई दो श्रेणी दी जाएगी आपको, और से अधिक हो से कम की, और उससे आप आराम से इसको निकाल सकते हो। मैक्स वो लारेंज ने दिया था, इसलिए इसको लारेंज वक्र कहा जाता है। इसको हम समान वितरण से, ये रेखा जितनी दूर होगी वितरण उतना ही अधिक होगा, पास होगी वितरण उतना ही
कम होगा, तो ये कहलाता है हमारा लारेंज वक्र। ओके, तो ये हो गया हमारा अपकिरण के माप। इसके बाद हम देखते हैं कोरिलेशन वगैरह, जो भी आगे टॉपिक है वो हम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।